आज आपको मैंने यहाँ दावत दी है तो इसका एक खास मकसद है। सबसे पहले मैं आपकी माध्यम से जम्मू कश्मीर आवाम को और खास तौर पर यूथ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज जिस अंदाज से इंडिपेंडेंस कैंडिडेट को कामयाब किया है तो उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो एक बड़ी मैसेज इसमें आ गई है कि जो यहाँ की पॉलिटिशियन हैं, शायद इससे अंदाजा हुआ है कि इन पर अब लोगों का एतमाद उठ गया है। तो इसके साथ साथ महबूबा जी ने आज कहा है कि मैं आइंदा कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। महबूबा जी को भी एक सवाल करना चाहता हूं, आपको कितने रूप हैं? आपने 370 के बाद डीडीसी इलेक्शन से पहले एक वाजिब पैगाम दिया है कौम को कि मैं इलेक्शन में तब तक हिस्सा नहीं लूंगा जब तक मैं स्टेट का एजेंडा और 370 और 35 एक का मामला हल किया जाएगा। लेकिन 24-72 घंटे की बोली बोलने वाली महबूबा मुफ्ती ने सिर्फ 72 घंटे के बाद वापस इलेक्शन में उसने हिस्सा लिया है और जो कल उसकी नाकामी हुई है अब तो आज ये कह रही है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा तब तक नहीं लूंगा। और फारूक साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने इलेक्शन से पहले कहा है कि हम 370 को वापस लाएंगे। आज मुझे बताइए कि आज इलेक्शन हुआ है, डीडीसी इलेक्शन यहां हुआ है, मुझे बताइए 370 कब वापस लाओगे? आज ये जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ नहीं है, हम आपको 10 दिन वेट करेंगे, 20 दिन वेट करेंगे, एक मंथ वेट करेंगे, उसके बाद आपके बारे में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज निकलेगा। 370 और डीडीसी का जो इलेक्शन हुआ ये डिफरेंट दो लाइनें हैं। 370 का मामला फारूक साहब और महबूबा जी ने दफन किया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है, जिन्होंने बीजेपी को यहां लाया है और आज बीजेपी के खिलाफ ये बोली बोल रही हैं। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमें किसी के साथ कोई लेजान नहीं है, न हमें फीडबैकिंग है, न हमें ऊपर से सर पर किसी का साया है। जम्मू कश्मीर अवामी फोरम अपने दम पर इलेक्शन लड़ रही है और पहली बार हमने लड़ा है और 27 सीट्स इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं और मैं लिस्ट भी सरकार को दिया है। आज इसमें दूसरी बात यह आ रही है कि आज यहां के पॉलिटिशियन आज पैसा लेकर हर डीडीसी के नंबर में घर जाते हैं। मैं इस करप्शन को यहां से ही खत्म करना चाहता हूं। अल्ताफ साहब को अगर सियासत चलानी है, पैसों पर सियासत नहीं चलती है, लोगों को दिल जीतने हैं। अगर गुप्ता वाले उसको सियासत चलानी है, लेकिन 370 और 35 के बगैर उनको सियासत चलानी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने उसका फैसला क्या आ जाएगी। महबूबा जी ने आज दूसरी बोली बोल दी है कि मैं अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। ये कौन सी बोली है और ये कौन सा व्यवहार है और ये कौन सा प्लान है महबूबा जी की बात? क्योंकि ग्रास रूट पर अगर आप हम गौर से देखे जाएंगे तो ग्रास रूट पर पीडीपी की साख्त खत्म हो चुकी है, इसीलिए इसने दूसरी बोली शुरू की। और कोई सवाल सर? देखा जाए मेरे भाई, उनको अपना एक मौका, वो किस अंदाज से यहाँ आए और किस अंदाज से यहाँ से वापस चले गए, ये वह आपके सामने ही है। मरकजी कयादत यहाँ सारी थी, मरकजी कयादत यहाँ सारी थी, लेकिन मुझे बताइए कल नतीजे आए हैं, वो एक्सरसाइज फजूल है। मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि जब शाहनवाज साहब डल में गए हैं, डल में जाने के बजाय डल वालों के लिए उसको एक अच्छा सा ऐलान करना था, तो वो उसमें टोटल फेल हो गए हैं। तो आप उनके पास अपना मौकफ है, हमारे पास अपना मौकफ है, तो मैं बीजेपी के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ना मुझे बीजेपी का एजेंडा पता है। उनकी जीत बताइए, मुझे ग्रास रूट पर बताइए,
जो 48 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आए हैं और 27 कैंडिडेट हमारे पास है, ये फारूक साहब को आज देखना है और इस पर गौर फिक्र करना है। आज लोगों ने एतमाद दिया है इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों पर, क्या ये फारूक साहब की हार नहीं है? सर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मैंने सरकार को भी अभी लिस्ट दिया है, तो ये हमारे जिगर हैं, तो इनको हमने मैदान में उतारा, हमने प्रैक्टिस इनको दी है, तो अगर सारे कैंडिडेट सौदाबाजी करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर अवामी फोरम का कोई कैंडिडेट सौदाबाजी नहीं करेगा। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने नाम लेना चाहता हूँ, अल्ताफ साहब की साख्त खत्म हो गई है, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिशियन ने दिल्ली वालों को आज तक धोखा दिया है। वो जब दिल्ली गए हैं उसने कहा कि सारे कश्मीर को मैंने अपने गिरफ्त में लाया है, लेकिन कल उसका असर रूप सामने आ गया है। 11 कैंडिडेट और अल्ताफ के पास कितना पैसा, उसने कितना पैसा खर्च किया है, ये करप्शन है। पैसों से वोट खरीदा नहीं जा सकता है, दिल जीतने हैं लोगों की। यहाँ तो कल जाहिर हुआ है कि सारे मेन स्ट्रीम लीडरों पर अब आवाम का एतमाद उठ गया है। जो मेयर श्रीनगर हैं वो भी अल्ताफ नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। उसने कब दिया है ये मुझे पता नहीं है, उसने क्या कहा ये भी मुझे पता नहीं है, और आज तक मैंने जुनेद अजीमोतू के साथ टेबल पर बात भी नहीं की है। लेकिन मैं वाजह तौर पर अपनी जम्मू कश्मीर अवामी फोरम की तरफ से कहना चाहता हूँ कि मैं फारूक साहब को एक मंथ नहीं 1.5 मंथ देंगे, इस पर हमें एक्सरसाइज दिखाए, अगर इसकी एक्सरसाइज सही हुई तो हम इसके पीछे चलेंगे। आखिर में हमारा यही क्या करेंगे? मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। जिन लोगों ने हम पर एतमाद किया है ये मैं जानता हूँ, और मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जानते हैं, और मेरी कोर कमेटी जानते हैं, उन्होंने किस एतमाद में हमें वोट दिया है और हम पर भरोसा किया है। ना हम आज तक इकदार में आए हैं और हमने पहली एक्सरसाइज शुरू की है, और मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं सारे जम्मू कश्मीर आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, खासतौर पर जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया है, और हम उनके लिए जितने भी मसाइल हैं यहाँ स्टेट सरकार से और सेंट्रल सरकार तक पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, और यहाँ के सारे मसाइल वहाँ तक एड्रेस करेंगे।